के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर पर भारत कनाडा रिश्तों से जुड़ी, भारत की कड़ी फटकार क्या लगी कि कनाडा सरकार के सुर ही बदल गए हैं। आज कनाडा सरकार ने एक बयान जारी कर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर लगे आरोपों को खुद ही निराधार बताया। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जहां प्रिवी काउंसिल के डिप्टी क्लर्क और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नथाली जी ड्रॉइन ने एक बयान जारी कर कहा है कि 14 अक्टूबर को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण और निरंतर खतरे के कारण आरसीएमपी और अधिकारियों ने कनाडा में गंभीर आपराधिक गतिविधि के सार्वजनिक आरोप लगाने का असाधारण कदम उठाया है। कनाडा सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री जयशंकर या एनएसए डोभाल को कनाडा के भीतर गंभीर आपराधिक गतिविधि से जोड़ने वाले सबूतों के बारे में कुछ नहीं कहा है और ना ही उसे इसकी जानकारी है। इसके विपरीत कोई भी सुझाव केवल अटकलें हैं और गलत है। कनाडा का ये यूटर्न भारत की कड़ी फटकार के बाद सामने आया है। इससे पहले कनाडा ने प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर पर निज्जर की हत्या की जानकारी होने का आरोप लगाया था। कनाडा की एक मीडिया रिपोर्ट में इस आशय का दावा किया गया था। कनाडा के एक अनाम अधिकारी के हवाले से यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसकी निंदा की थी। भारत ने इस रिपोर्ट को बदनाम करने वाला अभियान करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की थी। तो भारत ने लगाई फटकार तो कनाडा के बदले सुर अब ट्रूडो बोले हैं कि पीएम मोदी पर लगे आरोपों का हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी हैं।